नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। किसान कृषि बिल कानून को लेकर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि बिल कानून के विरोध में किसान अपनी तरफ से संघर्षशील हैं। उधर सरकार इस बिल को लेकर किसानों को समझाने में नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। यहां आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर किसान और पुलिस फोर्स का जबरदस्त आमना सामना भी हो चुका है। हाईवे पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हाईवे पर किसान आंदोलन के चलते कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं, जिसके चलते हाईवे पर रूट डाइवर्ट प्लान के अंतर्गत करनाल की कर्ण लेक के समीप भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसानों को आगे जाने से रोका जा सके। वहीं करनाल के बाईपास से रूट डाइवर्ट कर यमुनानगर की ओर वाहनों को भेजा जा रहा है। यहां बता दें कि मौके पर बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं इस किसान आंदोलन से अभी भी आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर दूर दूर तक वाहन धीमी गति में चल रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के निर्देश अनुसार जिले में धारा 144 लगाई गई है, जिसमें ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद भी किसान कुरुक्षेत्र की ओर से करनाल में प्रवेश करने के लिए तैयार है। वहीं पुलिस बल किसानों को रोकने के लिए छावनी के रूप में तब्दील है। यहां आपको यह भी बता दें कि किसान नेशनल हाईवे करनाल पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि किसानों पर पुलिस ने पानी की बौछारें व आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अभी भी तनाव का माहौल है। पुलिस कोई अप्रिय घटना ना हो जुटी हुई दिखाई दे रही है। आज शुक्रवार को भी किसानों के आंदोलन के चलते यातायात बाधित रहा। सड़कों पर लंबा जाम लगा दिखाई दिया। पुलिस नाकों पर जुटी हुई दिखाई दी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भाई लंगर तब तक आप लंगर शक लें, लंगर आ गया तब तक आप लंगर शके, और लंगर शकने के बाद हम अगला प्रोग्राम तय करते हैं। कोई भी यहाँ दे जो जो यहाँ दे आदेश हो उसके ऊपर फॉलो करनी है। जहाँ पर यहाँ पहुंचे आज अज सीएम की छत्ती पे खड़े हैं। सीएम की पहला भी आए थे नीलो केड़ी में और पीछे रहेगी। आज इसकी छाती पे खड़े हैं। आज वर्षिज मनोहर मनोहर वर्षिज किसान विजय वर्षिज ये मारा जान से आज की जो करते हैं बीजेपी की कुछ इशारे भी समझने हैं, कुछ बोल भी समझने हैं। प्रधान जी ने बेनती करूंगा जो जो बेनती करने चाह अपने आपके बच्चे आपकी सेना आपके साथी आपके बीच में खड़े हैं। की नाम है जी अपना? जोगा सिंह। किसान इकट्ठे हो गए, किधर जा रहे ने? दिल्ली तो दोनों जड़ा मतलब किसानों विरोधी सरकार ने कानून कढ़िया ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੈਦਲ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इन्होंने कल भी रास्ता हमारा रोका था, हमने वो क्लियर कर दिया। सरकार है तोड़ेंगे रास्ता, जान से पाई लोग कल भी हमारे रास्ते रोके थे, लेकिन जितना मर्जी कर ले हमने वो भी क्लियर कर दे। आज भी हम ये अभी एक घंटे तक क्लियर करके हमारी प्रशासन से यही अपील है कि आप इसको क्लियर खाली कर दो। हम नहीं रास्ता ये रोक रहे हैं, लोगों को परेशान ये कर रहे हैं। हम दिल्ली जाना जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे हैं? और हमारी तो अपील है अभी आप शांति से रास्ता खोल दो, जिसको हम हटा के निकल जाएंगे। ट्रैक्टर का हमारे किसान के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। किसान आप अपना इनकलाबी हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम घर से निकले हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। ये ट्रक कुछ नहीं है, आप हमें जानबूझ के परेशान ना करो, हमें दिल्ली जाने दो। हम अपनी मांगे मोदी के समक्ष वहाँ के उठा के अध्यादेशों को वापस उसको ये कहेंगे कि अध्यादेश वापस ले। ये आम आदमी को गरीब को किसान को मारने वाला है,
इसलिए हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि हमें रोका ना जाए, और ये फिर जानबूझ के हमें रोक रहे हैं। उधर से पंजाब वाले भी किसान पीछे आ रहे हैं, क्या कर लोगे, इतने लाखों किसान कह गए आप रोक नहीं पाओगे, बेचरते आप हमें दिल्ली जाने दो, हम दिल्ली में जाकर अपनी बात उठा के आना चाहते हैं, हमें ना रोका जाए। कहीं ना कहीं कल से आप बिल्कुल, मैं आपकी बात बड़ी अच्छी आपने सवाल करा, जब कोई किसान रास्ता रोकता हाईवे को तो धारा लगती है उनके ऊपर, आपने अब ये इन्होंने रास्ता बंद करा, इनके ऊपर धारा लगनी चाहिए, कानून तो सभी के लिए एक है ना, इन्होंने रास्ता रोका तो अब इनके ऊपर धारा लगा के इनके गिरफ्तार करना चाहिए इन लोगों के ऊपर भी, क्यों हमने तो रोक नहीं रहे, रोक ये रहे हैं, आम आदमी को परेशान ये कर रहे हैं, और इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसानों के ऊपर होती है। तो जैसा कि हम अभी हमारी रणनीति 10 मिनट बाद हमारी कार्यकारिणी ने फैसला ले लिया, ये क्लियर कैसे कर रहे हैं, हम निकलेंगे दिल्ली जाएंगे, हमारी अपील है हमारे से आप उड़ जाओ मत, हमारा बल्कि साथ दो, हमें दिल्ली तक जाने दो, बस पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना, दिल्ली दूर नहीं हमारे से जाएंगे। देखिए हम भगत सिंह शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के वारिस हैं, हम इन पैदल चले जाएंगे, क्या फिर क्या कर लोगे, फिर आप क्या, लाखों किसान है, पैदल दिल्ली दूर नहीं हमारे लिए, 100-125 किलोमीटर है, 2 दिन में पहुंच जाएंगे, 1-3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन दिल्ली हमने जाना ही जाना, मोदी के समक्ष अपनी मांग उठा के और इन्हें दद्देशों को रद्दी की टोकरी में गिरवा के हमने आएंगे, उससे पहले हम वापस नहीं आएंगे। और भी तोड़ेंगे, जितना दम हो लगा लो, जितने बैरिकेड है सब टूटेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, मोदी की शासन ने जो बैरिकेड थे वो खुद ना लगाकर आम नागरिकों के क्यों लगाए ये बैरिकेड, ये जो इन पर बन पड़ा वो कर लो, खुली चेतावनी है, प्रशासन का इस्तेमाल कर रही सरकार, कर ले उसके हाथ की बात है, लेकिन किसानों में इतना जोश है, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इन्हें अपनी औकात बता देंगे, इसलिए मोदी देश की औकात क्या है, इसने दिल्ली तो किसान पहुंचेगा, चाहे अमरगा या दिल्ली पहुंचेगा, जो इसने करना कर ले। अगर हमारे को किसी दुश्मन कंट्री का बैरियर तोड़ना पड़े तो वही तोड़ेंगे, ये तो हमारे सरकार ने छोटे छोटे अड़चने लगाई हैं, हमारा तो रोज काम है, कसी से इधर से नक्का खोदना, इधर से बांधना, हमारे ये बैरियर क्या, ये तो हमारे जैसे अगर हम पानी का एक खेत को दूसरे खेत को लगा रहे हैं, जिस प्रकार से बैरियर कानून रद्द किए जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, कहाँ क्या इकट्ठा होने हैं देश भर से जो किसान आ रहे हैं, ये उनसे हमने टाइम मांगा था भाई, तंत्र मंत्र पे दे दो, किसी जगह दे दो, उन्होंने नहीं दिया, उनकी गलती है, आगे हमारा काम है, किसी के घर जाएंगे तो बिठाना, उनका काम उठाएंगे, जब तक दिल्ली पहुंचोगे तब तक तो आप चुपचाप रहेंगे, वहां जाके फिर जगह तय करोगे, नहीं उनका इंतजार हम, है, क्या हम वहां जाके भी चुप रहेंगे, फिर हमारी एक ही मांग है कि कानून रद्द करो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.